goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूँ एरम और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज। लोकप्रिय कवि और शायर मुनव्वर राना की बेटी फौजिया राना ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके समर्थन में सैकड़ों लोग हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्हें सदस्यता मिली है। फौजिया राना के साथ साथ उनके कई समर्थक भी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। पार्टी से जुड़ने के बाद पहले बयान में फौजिया राना ने कहा कि वो इस पार्टी में किसी पद की इच्छा से नहीं आई हैं, वो तो केवल खुद को पार्टी की एक सिपाही मानती हैं, जिनका फर्ज बस पार्टी के हित में काम करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी सीट से लड़ने का आदेश देगी तो इस आदेश को वो ज़रूर पूरा करेंगी। फौजिया राना को CAA NRC के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के जुर्म में गिरफ्तारी भी मिली थी लखनऊ में। तभी वो केवल एक आंदोलन करती थी, पर अब तो एक राजनीतिक दल का हिस्सा बन चुकी हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने फौजिया राना का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी से पार्टी और मजबूत होगी। देखिए, चूंकि मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि मेरा आबाई वतन रायबरेली है और कांग्रेस से तो हमारे परिवार का बहुत पहले का जुड़ाव है और मेरी आइडियोलॉजी जिससे भी मैच कर जाती, मैंने ये शुरू से कहा था। तो मुझे लगता है कि इस पार्टी में महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता है, जिस तरह से कल हाथरस या इससे पहले भी जो भी आपने लॉकडाउन के दरमियान भी देखा होगा कि जिस तरह से राहुल जी और सोनिया जी सड़कों पर आकर उन्होंने एक मुहिम शुरू की, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी आवाज़ लोगों के लिए बुलंद कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअली बात तो कहीं भी ऐसी नहीं थी, वो एक मेरी शिष्टाचार मुलाकात थी। और अगर आप ऐसे लोगों की बात करें तो तकरीबन सबसे ही मुलाकात रही, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रही अब से कुछ घंटे पहले, और स्टिल अब आप कह सकते हैं कि मैं कांग्रेस में आ गई, लेकिन अब से कुछ घंटे पहले तक मैं एक सोशल एक्टिविस्ट थी। और सोशल एक्टिविस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, वो किसी से भी मिल सकते हैं, अपनी बात को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आज मैंने अटकलें ख़त्म कर दी हैं। मैंने तो 7 महीने पहले ही NRC में कह दिया था कि उत्तर प्रदेश की चोर पुलिस है, तो जहाँ की पुलिस चोर हो तो वो डकैत भी हो सकती है। दमनकारी सरकार है, योगी जी तय कर चुके हैं, आज बिहार के बाद उत्तर प्रदेश को की जो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी तय कर लेना चाहिए कि दमनकारी सरकार को वहाँ से हटा देना है। और योगी जी ने जिस तरह का वहाँ पर अत्याचार कर रखा है उसका खात्मा बहुत जल्द होगा। और यहाँ के साथ कांग्रेस लाजमी सी बात है कि जब वो गलत करेंगे तो मीडिया को रोकेंगे, परिवार से छीनकर लाश को जला दी जाती है। आप लोग खुद देखिए कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से सफर कर लखनऊ तक में पूरे उत्तर प्रदेश में क्या किया है, सिर्फ आतंक मचा रखा है। वो आतंक की सरकार है। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।